नए साल की शुरुआत में नौकरियों की बहार हो सकती है। जी हाँ, टीम लीज का सर्वे तो कम से कम यही कहता है। इसके मुताबिक देश की करीब 80% कंपनियां हायरिंग की तैयारी कर रही हैं, खास तौर से फ्रेशर्स के लिए ज्यादा मौके होंगे। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जॉब्स पैदा होने की वजहों को समझेंगे। देखिए, कोई भी रिपोर्ट आती है ना, तो उसके पूरा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये समझें कि ये किस बेसिस पे ये रिपोर्ट आई है। अगर ये कह रहे हैं कि अगले क्वार्टर्स में जॉब्स की बहार होगी या 80% कंपनीज हायरिंग की तैयारी कर रही हैं, तो उसके पीछे का ठोस आधार भी होना चाहिए। वही आधार आज हम अपने खास मेहमानों से तलाशने की कोशिश करेंगे, ताकि एक परफेक्ट पिक्चर, एक परफेक्ट ओवरव्यू हमें मिले। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। नया साल नौकरी के लिहाज से उम्मीदों भरा साबित होने वाला है, जॉब्स को लेकर सूखा छटने वाला है, यानी नई नौकरियों की बहार होगी। कुल मिलाकर जॉब्स के मोर्चे पर 2024 के शुरुआती महीने शानदार साबित होने वाले हैं। दरअसल स्टाफिंग फर्म टीम लीज ने नौकरी को लेकर देश के 14 बड़े शहरों की 1820 कंपनियों का सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। सर्वे के मुताबिक कारोबारी साल 2023-24 की दूसरी छमाही में 79% कंपनियों ने नई भर्ती के साथ अपने कर्मचारियों को बनाए रखने पर जोर दिया है। दरअसल जॉब्स के लिहाज से ये साल उथल पुथल वाला रहा, खासकर एजुटेक कंपनियों में छटनी का दौर रहा, तो आईटी सेक्टर में कुछ कंपनियों ने फ्रेशर्स को ऑन बोर्ड कराने में देरी की। लेकिन अब माहौल बदला है, खासकर सरकार ने रोजगार पैदा करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम प्रोत्साहन वाली योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। इसका असर अब दिखने लगा है। इसके चलते एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में सबसे ज्यादा नौकरी की डिमांड होगी। दरअसल ग्रामीण और छोटे शहरों से मांग बढ़ने के बाद कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का ज्यादा दबाव है। वहीं देश भर में 5G नेटवर्क के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सर्वे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में सबसे ज्यादा हायरिंग का अनुमान है। वहीं हेल्थ केयर और फार्मा, पावर और एनर्जी सेक्टर में भी रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। खासकर बंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में नई भर्ती और वर्कफोर्स में विस्तार को लेकर ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके साथ ही कोयम्बटूर, गुरुग्राम, कोच्चि, नागपुर, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे टू टीयर शहरों में भी नौकरी के मौके बढ़ेंगे। नौकरी को लेकर टीम लीज के सर्वे के जो उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं, उसके कुछ वाजिब वजहें भी हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ यानी IIP की बात करें, तो अक्टूबर में ये 11.7% के साथ 16 महीने के हाई पर रहा, जबकि इसी दौरान पिछले साल ये आंकड़ा -4.1% पर था। वहीं अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है और इसमें 10.4% की तेजी रही, जबकि पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा -5.8% पर था। ऐसे में रोजगार को लेकर टीम लीज ने जो सर्वे किया है, उसमें निश्चित तौर पर दम है। खासकर नौकरी के मोर्चे पर फ्रेशर्स के लिए नया साल शानदार साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।